क्योंकि जो फोकसिंग रेंज होती है ना वो ये सर्कुलर होती है। तो या तो ये कर्व में बिठाते हैं कि जब वो सर्कल हो तो ये फोकस हो तो ये भी फोकस हो। दूसरी सूरत ये होती है कि अगर स्ट्रेट लाइन है तो आप सेंटर वाला फोकस नहीं करें। अब विजुअली सेंटर से ये जो ना समझ लें कि ये आपका हाफ है, इस हाफ का सेंटर आप फोकस कर लें। अच्छा, तो ये दोनों एंड फोकस हो जाएंगे आपके। अच्छा, तो ये जब फोकस होंगे तो एजेस भी फोकस होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि डेप्थ बेसिकली यू बढ़ रही होती है दोनों साइडों पे। अच्छा, आप मतलब सेंटर से थोड़ा राइट पे ले जाएं, मतलब राइट या लेफ्ट किसी भी साइड, किसी साइड पे ले, किसी भी साइड पे ले। अच्छा, तो फिर उसे एक्सट्रीम एंड जो है वो आउट नहीं हो रहा है? नहीं, बल्कि सेंटर में होगा तो एक्सट्रीम एंड आउट हो जाएगा। अच्छा अच्छा, नहीं बट अगर आप लेफ्ट से या बिल्कुल एंड राइट एंड के सेंटर में ले रहे हैं जो ये इधर एक्सट्रीम एंड आउट नहीं होगा? नहीं, उससे सेफ्टी होगी थोड़ी सी, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये यू सर्कल में आता है इस तरह से, ठीक है। जब ये यू सर्कल में गया तो ये दो तीन लोग तो फोकस होगी, ये यू आते आते ये सर्कल से बाहर हो गए, ठीक है। जब हम यहाँ पे आते हैं तो कर्व यहाँ से शुरू हो रहा होगा, तो वो थोड़ा पीछे से होता हुआ इधर आ जाएगा, तो थोड़ा सेफ्टी हो जाती है उसमें। सर बट ही वाज सेइंग कि 1.4 पे जब हम लेंगे तो जी सब कुछ ग्रुप नॉर्मली मैच करके और वो कर लेंगे, ग्रुप नहीं होता इस तरह की चीजें, वो कुछ बता रहा था उस दिन। नहीं नहीं, ग्रुप नहीं होता 1.4। हाँ, मतलब वाइड एंगल में कर ले तो ठीक है, क्योंकि वाइड एंगल की डेप्थ जो होती है वो ज्यादा होती है नॉर्मल लेंस से। जितना टैली होगा और वो अपर्चर उसका वाइड ओपन होगा उतना ज्यादा जो है ना उसकी डेप्थ कम होती चली जाएगी। तो सर अगर डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा लिया जाए इवन देन तो वो फिर फोकस थोड़ा सेफ्टी थोड़ी है उसमें। डिस्टेंस बढ़ा के क्या करेंगे, आप एक्स्ट्रा स्पेसेस साइड में छोड़ेंगे, आपको फिर जब आप इलाज करेंगे उसको कंपोज करेंगे तो फिर वो क्रॉप करना पड़ेगा ना, काफी फिर पिक्सेल उसके खत्म हो जाए, पिक्सेल खत्म हो। सर अगर स्टूडियो लाइट यूज की जाए उसके जरिए हो सकता है फोकस? नहीं, फिर भी नहीं होगा। स्टूडियो लाइट का भी फार्मूला वही है कि जब वाइड ओपन अपर्चर है तो उसका डेप्थ तो कम ही है ना, अपर्चर हाई कर रहे हैं। स्टूडियो लाइट हम यूज करते हैं कि अपर्चर बढ़ाने के लिए, कि यार अगर शेड है या ये लाइट है इसके अंदर, क्योंकि हमें एक सर्टेन शटर स्पीड भी चाहिए होती है, क्योंकि पोर्ट्रेट के अंदर ये होता है कि सब्जेक्ट कोई भी हिल भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, थोड़े हमें शटर स्पीड हाई रखनी होती है उसके लिए, ठीक है। 125 सपोज करें आप रख रहे हैं, इस लाइट के अंदर अगर मेरे पास 1.4 अपर्चर आ रहा है वो उससे नहीं बढ़ सकता अंडर अनलेस मैं एक्स्ट्रा लाइट कहीं से फायर करूं। तो स्टूडियो लाइट इसलिए हम फायर करते हैं कि यार हमें जो एक्स्ट्रा हमने डेप्थ बढ़ानी है वो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और थोड़ा सा स्टूडियो लाइट इक्वलेंट टू जो होता है ना, हम लोग जब काम कर रहे हैं जैसे 1.8 में पास या चले 5.6 में पास अपर्चर आ गया, अब स्टूडियो लाइट भी इतनी ही इंटेंसिटी से फायर करें कि वो भी 5.6 के इक्वलेंट हो जाए। वो करेगा क्या फायदा आपका, कि वो ग्रेन को क्रिस्प कर देगा, क्योंकि सॉफ्ट लाइट का एक और ग्रेन होता है, आउट ऑफ फोकस का और ग्रेन होता है, तो वो हल्की सी लाइट जो उसको फिल अप कर रही होती है ना, जो ग्रेन शार्प करने के लिए होती है, यार ये ग्रेन शार्प हो जाए तो वो अलाइनमेंट करने में आपको आसानी होगी, ठीक है। तो इन एनी केस आउटडोर जब भी आप करेंगे आपका ग्रुप जॉनसन है वो सॉफ्टनेस आएगी, अवेलेबल आएगी। और फिर तीसरा ये होता है कि डे लाइट जो भी है सोर्स थोड़ा ऊपर से आ रहा होता है, तो नॉर्मली आंखों के नीचे शैडो डार्क हो जाती है, तो वो जब आप फ्रंट से लाइट थोड़ी सी देंगे तो ये फिल भी हो जाएगा, लेकिन उसका इतना होना चाहिए कि फ्लैश की फील ना आए, वो यही लगे कि उसके साथ मर्ज एक ही जितना अपर्चर हो या हाफ स्टॉप या मैक्सिमम एक स्टॉप का डिफरेंस, वरना फ्लैश का जो है वो और चीज हो जाएगी, फ्लैश फ्रंट से आएगी तो ये चीजें और तरह से रिएक्ट करेंगी, ये और तरह से रिएक्ट करेगी, क्योंकि फ्लैश आपके सामने से आ रहा है, फेस ब्लास्ट कर देगा, फेस ब्लास्ट कर देगा, फ्लैश कर देगा। लेकिन उसका जो वो डिफरेंस है डेप्थ का, वो तो डेप्थ तो वैसे ही रहेगी, डेप्थ पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा स्टेबल इसमें करना पड़ता है। मैं इस रेफरेंस से कह रहा हूं, कंपनी ने कभी सोचा भी इसमें आप खुद भी कभी करके देखना, हम स्टूडियो में जो
ट्राइपॉड पे या मोनोपॉड पे रिजल्ट लेते हैं, जो हैंड हेड लेते हैं उसमें फर्क होता है। हां वो फर्क है सर, वैसे क्योंकि हम एज ए वेडिंग फोटोग्राफी में यूज करते हैं जी, तो उस पे भी वो मोनोपॉड वो उधर होता नहीं, मोनोपॉड तो हो सकता है ट्राइपॉड नहीं हो सकता। वीडियो में सर मोनोपॉड हो जाएगा सर। पोर्ट्रेट की बात कर रहे हैं, पोर्ट्रेट में आपको पता है कैमरा कभी किस तरह कहीं पोर्ट्रेट करना पड़ता है कभी कहीं पे। हां तो मोनोपॉड तो घर की सपोर्ट के लिए होता है, आप जहाँ पे भी खड़े होंगे आपके पास 2 फुट का रेडियस तो होगा ना रखने के लिए मोनोपॉड, इससे ज्यादा जगह नहीं चलेगा। लेकिन एडजस्टमेंट का इशू आ रहा था ना, अगर एक बच्चा है उसके लिए मैं कैमरा इस लेवल पर रखना पड़ेगा, बैंड होना पड़ेगा, एक अगर कोई अंकल जी है तो उनके लिए मैं यहाँ जाना पड़ेगा। अच्छा बाहर जो होते हैं ना कहीं, वो मेरा वो जिस तरह मोटरसाइकिल का क्लच नहीं होता उस तरह का, वो क्लच टाइप होता है, क्लच तो भाई आप नीचे ले जाए, आप क्लच से बाहर ऊपर ले जाए। अच्छा तो वो बहुत ही चीज़ है, बजाय इसके कि आप खड़े खड़े करें नीचे हैं ऊपर जाए उससे वो बेहतर है। और मेरे पास कुछ लेंसेज ऐसे हैं कि जो मैंने लिए थे SMI फोटोज वालों से, पहले उनके पास होता 85-35 उनके पास, क्योंकि मेरे पास वारंटी नहीं है, मेरे पास 135 और 24 जो 70 है उसकी है, उसका एक्सटेंडेड वारंटी का कुछ है अगर मैं उनकी सर्विस करवाना चाहूँ तो। आपने कब तक कब लिए? 2.5 साल हो गया। 85 तो मैंने प्री बुकिंग पर लिया था। अच्छा ठीक है, और दूसरे को उससे बात करने के बाद। लेकिन 2 साल वारंटी जो नॉर्मल है वो 1 साल या 2 साल की होती है, जो लेंसेज के साथ वारंटी कार्ड उसकी आपका जो टाइम पीरियड है उसमें तो वैसे ही वो टाइम पार्ट होगा। बाहर जाने में एक्सटेंडेड वारंटी हो जाती है, पैसे दे के वारंटी एक्सटेंड कर लेते हैं। हाँ लेकिन ये मरहल दूसरी वारंटी की बात कर रहे हैं, पैसे वाली वारंटी की बात नहीं कर रहे। नहीं मैं अगर फर्ज की होगी सर्विस अगर करवानी हो, ठीक है सिग्मा से करवानी हो तो वो ऑफर करते हैं आपको। हाँ बिल्कुल सर्विस हो जाएगी, सर्विस अच्छा। दूसरा सवाल ये कि आपका अभी लेंस आया 40, ठीक है, और मैंने रिव्यूज जो देखे थे उसमें यही लिखा था कि पहला सीने लेंस कन्वर्ट किया उन्होंने 8 में, ठीक है। अब क्योंकि मैं वेडिंग भी शूट करता हूँ तो उसमें 85,000 का आपको काफ़ी टाइट हो जाता है, क्योंकि आपके पास मतलब स्पेस की लग्जरी नहीं होती कि आप पीछे कर पाओ। तो 35 मेरे पास है लेकिन वो 5-6 साल हो गए उसको पुराना हो गया। तो 40 जो है आपको जो नया निकाला है क्या फर्क है? इनोवेशन और जो क्वालिटी है वो तो डे बाय डे इंप्रूव हो रही है। तो जैसे जैसे काम हो रहा है, जैसे जैसे कंपनियां काम कर रही है, मुकाबले की दौड़ है, हर कंपनी बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट ला रही है, तो 40 जो है वो 45 से तो काफ़ी बेहतर है। और दूसरा सिग्मा ने अपनी रेंज भी कंप्लीट की है, 14 से लेके देखें 105 mm तक 1.4 तो पर उसके साथ साथ पूरी आपने बनाया, लेकिन इतना हैवी बनाया ना स्पीड लाइट एक बॉडी के साथ भी पास में रह जाते हैं 4 मिनट की इवेंट में। एक्चुअली 8 मिनट वो पास हो गई थी। 8 मिनट जो कॉन्सेप्ट है ना सिग्मा का, वो उनका कॉन्सेप्ट और जो ऑब्जेक्टिव है वो क्वालिटी को अचीव करते हैं, उसमें वो वेट को भी देते हैं। कोई शक नहीं, मतलब मैं अभी ये बता रहा था, ये नहीं कि मैं आपकी वर्कशॉप में आऊँ, आप अ प्राइमरी नाइकॉन शूटर, मैं नाइकॉन कभी स्विच नहीं किया, मैंने पिछले दिनों बड़ी कोशिश की, मैंने कहा सोनी में चले जाओ, लेकिन स्टिल फोटोग्राफी में नाइकॉन से बेस्ट कोई नहीं। लेकिन मेरे पास जो एक्सल ग्लास पड़ा हुआ है ना 70-200 मेरे पास आपके कंपेटिटर हैं, कैमरा उनका पड़ा है, आपका अभी आया मैंने चेक किया, लेकिन मेरे पास सारा ग्लास तकरीबन जो है वो आपका पड़ा हुआ है। मैंने 85 1.4G नाइकॉन का सेव करके लिया मार्केट, और मतलब मैंने नाइकॉन सेव करके मैंने सिग्मा पे आया, क्वालिटी में इसमें नो डाउट। थोड़ा सा ना मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ जो सिग्मा का जो विजन है, सिग्मा जो है आर्ट के अंदर उसका ऑब्जेक्टिव है क्वालिटी, वो क्वालिटी को फोकस करेंगे, बाकी उसकी जो है ना मतलब वेट और बाकी चीज़ें उसके ऊपर वो उसको कंसिडर नहीं करेंगे। इसी तरह सेकंड सीरीज है उसकी कॉन्टेम्प्रेरी, उसके अंदर जो है वो लेंस जो है वो लाइट वेट होगा, उसके अंदर वेट को साइज को इन चीज़ों को कंसिडर करेंगे, लेकिन क्वालिटी कोशिश होगी कि क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज ना हो। हाँ क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज ना हो। और तीसरी है उनकी स्पोर्ट्स,
स्पोर्ट्स के अंदर जो लेंस है वो हाई स्पीड फोकसिंग और वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसको फुलफिल करेंगे, और क्वालिटी में वो भी जो है हम ये नहीं कह सकते कि उसकी क्वालिटी किसी तरह से भी 8 से नीचे होगी। अब जो 70-200 आया है ये उन्होंने 70-200 टेलीफोटो जूम मतलब लेंस है, इसको उन्होंने स्पेशली स्पोर्ट्स के अंदर लॉन्च किया है, और ये मेरा ख्याल है कि ये काफी हाई स्पीड और इसके जो व्यूज आ रहे हैं लेकिन वेट में भी थोड़ा कम होगा। हां बहुत पॉजिटिव उसके रिव्यूज हैं, मेरा ख्याल है कैनन निकॉन के भी जो 7200 है उसका शायद मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मैंने ये यूज लेटेस्ट जो लास्ट आया सिग्मा का, मैंने कैनन का भी यूज किया है, बट मैं कहता हूँ जमीन आसमान का फर्क है, नो डाउट जमीन आसमान का बिल्कुल। उन्होंने जो उसके अंदर अब हम लोग ना बैकपैक में अभी कोशिश करेंगे हम उसे नहीं कर सकते, अगर कैंडिडेट निकालनी है तो आप एक ही ले लेते हो 85 ले जाओ वो एक ही बात। अच्छा एक चीज़ और, मैंने सिग्मा टॉप खुद से बाय की थी क्योंकि मुझे ना शुरू में लेंजेज में इशू आया था, मेरा अच्छा कैंडिडेट ये मुझे रिसेंटली लास्ट वर्कशॉप में पता चला अभी वो ब्लू फोटोज के पास आपकी सर्विस है, यहाँ पे जो आप कैलिब्रेशन करते हैं क्या वो उसका अलग सिस्टम है या डॉग से करते हैं? क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस प्रॉपर्ली कैलिब्रेट डिपेंड करता है उसकी प्रॉब्लम उसके इश्यू शो है सिग्मा पहली बात तो ये कि हमने हमारा जो बंदा है वो सिग्मा जापान से ट्रेनिंग लेके आया है, दूसरी बात ये कि इस साल वो फिर जा रहा है दोबारा उस ट्रेनिंग को इम्प्रूव करने के लिए। इसके साथ साथ हमने वहाँ से जो सिग्मा के रिकमेंडेड टूल्स होते हैं ना टूल किट जो है वो हमने बाय की हुई है और उसके ऊपर उसको चेक कर रहे हैं। ये अलग मेथड होता है या वही होता है जिस तरह हम लोग करते हैं? नहीं अलग होता है, अलग होता है, अलग होता है। ये भी जो इंजीनियर था वो यही पहले जो यहाँ पे जो सिस्टम चल रहा है उसी के मुताबिक वो कहता था कि हम नहीं चाहते, लेकिन ब्लू फोटो की बात कर रहे हैं वो पहले ये समझते थे कि हम जब करते हैं ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब वो जापान से हो गया है तो उसने कहा नहीं वो बहुत आगे हैं और उनकी जो मतलब जो इस चीज को पिन वो 0.001 को भी वो ना कंसीडर करते हैं कि ये भी फर्क नहीं होना चाहिए। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि शुरू में मैंने ना ये आपकी जो लास्ट समर की वर्कशॉप सर ने करवाई थी बाइक के नाम उसके बाद मैंने एक लेंस कैलिब्रेट करवाया था, लेकिन वो प्रॉपरली कैलिब्रेट उन्होंने जो करके दिया वो एक्यूरेट बिल्कुल नहीं था, उसको हमें खुद से करना पड़ा, लेकिन वही है ना किसी हद तक कुछ रेंज उसकी ठीक है लेकिन बाकी में फिर मसला आया ना, इसलिए मैं कह रहा था वो आप दोबारा दीजिएगा हम उसको देखेंगे क्योंकि उसके बाद अब काफ़ी काम हो चुका है उसके ऊपर, और अभी जो इस साल ना मई या जून के अंदर दोबारा है वर्कशॉप वहाँ पे जापान में तो वो दोबारा जाएगा तो वो जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है ना उसको वो मतलब कंप्लेंट्स यहाँ पे जितनी जाएंगी उतना उनको पता होगा कि ये क्वेश्चन आएगा पूछने के ये किस तरह से। दूसरा ये है कि अगर कोई चीज़ प्रॉपरली नहीं हो पाती तो हम जो लेंस हैं वो जापान भी भेजते हैं। मैंने भेजा शुरू में जब SMI फोटो वाले ने ना उन्होंने कहा कि आप मैंने कहा लेंस बना कार्य पड़ती है मैंने फुल वारंटी में दिया तो उन्होंने कहा कि आपको टॉक बाय करके खुद से करना पड़ेगा, मैंने कहा फिर वारंटी किस चीज़ की है? तो मैंने सिग्मा जापान से रब्ता किया तो वहाँ पे उनके चीफ जो टेक्नीशियन थे इस तरह के उन्होंने मुझे DHR का नंबर दिया था यहाँ पे, तो मैंने अपनी बॉडी और एक लेंस भेजा था उन्होंने मुझे 12 दिन में करके वहाँ से भेजा, वो मेरा लेंस आज तक 100% है। हाँ ऐसा ही है, अगर कोई इस तरह की चीज़ होती है तो हम उससे जापान भेजते हैं तो आप और वहाँ से करवा के आप डायरेक्ट भिजवा सकते हैं, आप हमें देंगे हम भिजवाएंगे। मतलब ये देखें ना एक एज बाकी कंपनीज के मुकाबले सिग्मा को ये भी है कि जो वो वारंटी करें आफ्टर सेल्स सर्विस की भी 100% सिग्मा बड़ा कॉन्शियस है वारंटी की नहीं सर्विस के ऊपर सिग्मा बहुत कॉन्शियस है वर्ल्ड वाइड, ये बाकी बच्चों के लिए भी ना जिनको नई इन्फॉर्मेशन मिल रही है। मैं तो शुरू का एग्जांपल ऐसा दिया आपको जापान से करके भेजा था सिग्मा का, थोड़े से आपको ना बता दूं कि जितने भी ब्रांड्स हैं कैमरा ब्रांड्स हैं कैनन निकॉन सोनी पैनासोनिक काफ़ी देर से ये लोग चल रहे हैं, लेकिन सिग्मा ने आज से 10 साल पहले इसको किया अपना जो फोकस था ना जो विजन उसको चेंज किया और 8 सीरीज जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस की इसी तरह से कॉन्टेम्प्रेरी और किसी स्पोर्ट्स के ऊपर